हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में 21 अगस्त को IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और इसमें फीचर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग भी आपको 25,000 रुपीज़ के अंडर देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज, इंडियन मार्केट में Realme 13 Pro स्मार्टफोन भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसकी भी प्राइस आपको ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगी बैंक ऑफर्स वगैरह के साथ में। तो आज के इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का डिटेल में कंपेरिजन करेंगे एंड लेट्स सी गाइज आपको दोनों स्मार्टफोन फोन में क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बट वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड ऑफकोर्स गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो गाइस, डिजाइन दोनों स्मार्टफोन का काफी प्रीमियम देखने को मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा, ग्लास बैक देखने को मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन दोनों स्मार्टफोन आपको लेदर टेक्सचर के साथ भी देखने को मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में रहने वाली है। और वेट वगैरह के बारे में बात करें तो Realme 13 Pro स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट 190 ग्राम वेट देखने को मिलता है, लेकिन आपको IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में 200 ग्राम वेट देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme 13 Pro स्मार्टफोन में गाइस 6.7 इंचेस का एक फुल HD प्लस AMOLED पैनल देखने को मिलता है और कर्व स्क्रीन रहती है, 10-bit कलर्स, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी दिया गया है और यहां पर 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में भी आपको सेम डिस्प्ले स्पेक्स देखने को मिलेंगे, बट ब्राइटनेस में आपको दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। बिकॉज फ्रेंड्स, Realme 13 Pro स्मार्टफोन में 2000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, बट आपको IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में 4500 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर भी आपको दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिकॉज फ्रेंड्स, Realme 13 Pro स्मार्टफोन में Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट देखने को मिलता है और यह चिपसेट 4nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। बेंचमार्क स्कोर 5-6 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस यहां पर डिसेंट देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है, बट IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और यह काफी पावरफुल प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर 8-9 लाख के आसपास देखने को मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। यहां पर आप हेवी गेमिंग कर पाओगे और इसमें फ्रेंड्स LPDDR4X रैम के साथ UFS 3.1 स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आते हैं और दोनों में आपको 2 साल के मेजर ओएस अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। कैमरास के बारे में बात करें तो गाइस, Realme 13 Pro स्मार्टफोन में रियर साइड पे 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 OIS मेन कैमरा आता है और यहां पर 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। बाकी स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 4K 30fps तक मैक्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 मेन सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि अगेन OIS बेस्ड है और यहां पर भी 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है और इसमें भी आपको 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और रेफरेंस के लिए बता दूं गाइस, दोनों सेंसर ऑलमोस्ट सेम कैमरा क्वालिटी लेकर आते हैं, आपको कोई ज्यादा डिफरेंस दोनों स्मार्टफोन के कैमरास में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रंट कैमरा की बात करें तो IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है और आपको Realme 13 Pro स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, तो फ्रंट कैमरा डेफिनेटली Realme 13 Pro स्मार्टफोन में ज्यादा बेटर रहने वाला है। और दोस्तों, बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो Realme 13 Pro स्मार्टफोन में 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में आपको 5500 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली आपको IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। इवन इसे चार्ज करने के लिए 80 वोट की वाइड फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, तो चार्जिंग स्पीड भी डेफिनेटली IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में काफ़ी बेटर होने वाली है। बाकी अदर डिटेल्स की बात कर लें तो दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, दोनों में आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में गाइस आयर ब्लास्टर दिया गया है, दोनों में आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, Realme 13 Pro में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है और IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलेगी और यहां पर Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी दिया गया है। फाइनली कंक्लूजन के बारे में बात करें तो गाइज, यहां पर क्लियरली IQ Xenin S Pro स्मार्टफोन विनर निकल कर आता है। बिकॉज फ्रेंड्स, यहां पर प्राइसिंग काफी कम देखने को मिलेगी आपको और स्मार्टफोन में फीचर्स भी Realme 13 Pro स्मार्टफोन से बेटर दिए गए हैं। सो फिलहाल दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोनों स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड ऑफकोर्स गाइज, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।